हेलो दोस्तों, मैं हूं जोरावर और आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ माइक्रोवेव कुकिंग में। तो वीडियो के मुताबिक आज की हमारी रेसिपी है पिज़्ज़ा, भाई मार्केट पिज़्ज़ा रेसिपी। काफ़ी लोगों का कहना है कि जब भी हम लोग घर पे माइक्रोवेव में पिज़्ज़ा बनाते हैं वो मार्केट वाली बात नहीं बनती, जो स्लाइस उठाने के साथ जो चीज़ की जो लेयरिंग बनती है, जो रिबनिंग बनती है, वो वाली बात घर पे नहीं बन पाती और ना ही ब्राउनिंग इफ़ेक्ट आता है और ना ही मार्केट वाला टेस्ट बन पाता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, मैं आपको दिखाऊंगा आज मार्केट पिज़्ज़ा रेसिपी का सीक्रेट। और दोस्तों, इंग्रेडिएंट भी काफ़ी सिंपल यूज़ किए हैं जो आपको इजीली आपके घर पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, है ना मार्केट वाली बात। तो जो स्लाइस मैंने उठाई है उसके साथ जो चीज़ की लेयर बन रही है वो भी प्रॉपर है और ब्राउनिंग इफेक्ट भी अच्छे से है। तो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका पिज़्ज़ा कैसा बना। तो चलिए दोस्तों, जो आज की पिज़्ज़ा रेसिपी है वो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट से। इंग्रेडिएंट्स मैंने बहुत ही सिंपल यूज़ किए हैं जो इजीली आपको मार्केट में मिल जाएं या आपके घर पे वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं। नहीं तो भैया, आप लोग सोचेंगे कि ये सारा सामान इकट्ठा होगा तो ही हमारा पिज़्ज़ा बन पाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये यूज़ किया मैंने मशरूम, ये आजकल इजीली मिल जाता तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। प्याज आप लोगों के घर पे ये अवेलेबल रहता है हमेशा। ये ग्रीन कैप्सिकम है दोस्तों, और ये आज घर पे अवेलेबल थी येलो कैप्सिकम, तो सोचा मैंने ये भी यूज़ कर लूँ। इन वेजिटेबल्स के एडिशनली दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं ग्रीन पेपरिका, रेड पेपरिका, ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स। बट दोस्तों, मैंने कोशिश की है उन्हीं इंग्रेडिएंट से पिज़्ज़ा बनाया जाए जो आपको इजीली मिल जाए, जो आपके घर पे अवेलेबल हों। तो नेक्स्ट आना है हमारे दोस्तों सॉस और सीजनिंग की। तो पिज़्ज़ा सॉस दोस्तों मैं रेडीमेड यूज़ कर रहा हूँ, इसकी भी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँगा। वीडियो एक्सीड ना हो जाए इस वजह से मैं रेडीमेड यूज़ कर रहा हूँ पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस। और नेक्स्ट आना है दोस्तों हमारी पिज़्ज़ा सीजनिंग की। पिज़्ज़ा सीजनिंग यूज़ कीजिएगा क्योंकि इसमें सारे मिक्स हर्ब्स होते हैं, जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा बनता है। और दोस्तों नेक्स्ट जो है वो मेरे पास पेरी पेरी पाउडर आज अवेलेबल था, तो इसको इसका जो फ्लेवर है, जो इसका टेस्ट है, मुझे काफ़ी पसंद है तो मैं यूज़ करता हूँ। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं दोस्तों, ये मैं अपने फ्लेवर के लिए यूज़ करता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम दोस्तों हमारे पास आती है पिज़्ज़ा बेस की। तो पिज़्ज़ा बेस भी दोस्तों मैं रेडीमेड ही यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम मेरे पास शॉर्ट था तो मैं इसको भी रेडीमेड ही यूज़ करूँगा। और आने वाली वीडियो में भी दिखाऊँगा कि ये भी आप माइक्रोवेव में कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बारी आती है पिज़्ज़ा चीज़ की। इसी में ही छुपा हुआ है मार्केट रेसिपी का सीक्रेट। तो दोस्तों, जो आप लेयरिंग की जो मैं आपसे बात कर रहा था ना, स्लाइस लें और लेयरिंग जो आती है उसके स्लाइस के साथ, वो इस पिज़्ज़ा चीज़ की वजह से आती है। जब भी आपने पिज़्ज़ा चीज़ बाय करनी है, मोज़रेला चीज़ प्लस चेडर चीज़ होना चाहिए दोस्तों। चेडर चीज़ की वजह से ही प्रॉपर लेयरिंग आती है, जैसे कि आपको मैंने वीडियो में दिखाया था। तो मोज़रेला और प्लस चेडर चीज़ ही मार्केट से आप बाय करें अगर आप चाहते हैं कि जो खिंचाव जो चीज़ में आता है स्लाइस के साथ वो आए। तो ये मोज़रेला प्लस चेडर चीज़ जो है यही आप यूज़ करना है दोस्तों उसमें। इससे क्या होता है कि जो चेडर चीज़ है वही इसमें जो खिंचाव पैदा करता है। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मैंने स्लाइस्ड यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि क्रश्ड है। देख लीजिए, अगर मार्केट में आपके इजीली अवेलेबल हो तो आप ये बाय कर लीजिएगा, या आपके होम टाउन में जो भी दोस्तों अवेलेबल हो वही आप पिज़्ज़ा चीज़ बाय कर लीजिएगा। टेस्ट और फ्लेवर में तब भी कोई मतलब चेंजेस नहीं आएंगे, प्रॉपर टेस्ट रहेगा। तो अगली बारी आती है दोस्तों हमारे पास अब इसको टॉपिंग करने की। और टॉपिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके ऊपर हमने पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे से लगा देना है, यानी कि कॉर्नर टू कॉर्नर आप लगा दीजिएगा। नहीं तो होता क्या है कि मोस्टली जब भी आप पिज़्ज़ा खाते हैं कॉर्नर्स को हम लोग छोड़ देते हैं, तो ये कॉर्नर टू कॉर्नर आप लोगों ने इसके ऊपर अच्छे से जो पिज़्ज़ा सॉस है उसको आपने टॉप कर लेना है, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको। तो ये अभी इसके ऊपर जो पिज़्ज़ा सॉस है वो टॉप हो चुकी है। और नेक्स्ट दोस्तों, मैं इसके ऊपर अभी मतलब स्प्रिंकल कर रहा हूँ पिज़्ज़ा चीज़ को। तो पिज़्ज़ा चीज़ को अगर आप अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे, पहले पिज़्ज़ा चीज़ डालने का एक और दोस्तों सीक्रेट है कि जब भी आप स्लाइस उठाएंगे या कटिंग करेंगे ना पिज़्ज़ा को, तो जो वेजिटेबल्स हैं वो मतलब स्लिप नहीं करती उसके ऊपर से। तो ये पहली लेयर हमने सबसे पहले बना लेनी है पिज़्ज़ा चीज़ की। और ये अच्छे से प्रॉपर बनाने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टर्न है दोस्तों, वो अभी आएगी वेजिटेबल्स की। तो हम इसके ऊपर वेजिटेबल्स को टॉप करेंगे। तो वन बाई वन अपने अकॉर्डिंगली, जैसे आपको अच्छा लगता है, ठीक है, सजावट आपने जैसी करनी है इसके ऊपर आप कर सकते हो, टॉपिंग कर लीजिएगा।
तो यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर टॉपिंग रेडी है। और दोस्तों लास्ट में एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा टॉपिंग के दौरान कि वेजिटेबल्स तो आप मैंने लगा दी, तो चाहें तो आप इसको डायरेक्टली इसको भी आप कुक कर दें, लेकिन मैं थोड़ा सा चीज़ इसके ऊपर और डाल रहा हूँ क्योंकि क्या है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स को एक्स्ट्रा चीज़ पसंद है। वैसे चीज़ किसको नहीं पसंद एक्स्ट्रा, तो भाई घर में बनाना है तो अपने लिए बनाना है, तो चीज़ डालने में जो कंजूसी है वो मैं नहीं करूँगा। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग जितना आप चीज़ डालना चाहें दोस्तों डाल सकते हो। तो नेक्स्ट रन है हमारी दोस्तों सीजनिंग की। तो यहाँ पे जो सीजनिंग है वो मैं अभी डाल रहा हूँ थोड़ी, बाकी पिज़्ज़ा बनने के बाद भी आप डाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर आप डाल दो तो वेजिटेबल्स में चीज़ में जो सीजनिंग का टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाता है। तो नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगा पेरी पेरी पाउडर। ये मेरा अपना फ्लेवर है, मुझे इसका जो टेस्ट है वो अच्छा लगता है तो वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, अगर आप इसको लाइक नहीं करते या नहीं है घर पे तो आप इसको स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पे जो पिज़्ज़ा टॉपिंग है दोस्तों वो प्रॉपर मेरी अब रेडी है, तो अब कुक करना है बस हमने इसको। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको हम कुक करते हैं, और कुक करने के लिए क्या क्या यूटेंसिल्स चाहिए वो मैं अब आपको बताऊंगा। तो माइक्रोवेव के साथ आपको ये पैन मिला होगा और ये आपको स्टैंड ज़रूर मिला होगा, ठीक है दोस्तों। ये छोटा वाला स्टैंड है जिसको हम लो रैक बोलते हैं, वो मैं यूज़ करूँगा, और साथ में ये पैन यूज़ करूँगा। अगर आपके पास ये वाला पैन आपको नहीं मिला हुआ है दोस्तों, तो आप डायरेक्टली ये जो स्टैंड है आप स्टैंड के ऊपर पिज़्ज़ा को रख सकते हैं। तो अब माइक्रोवेव पे मैंने कन्वेक्शन प्रेस किया, अभी माइक्रोवेव मेरा खाली है क्योंकि मैं थोड़ा इसको गर्म करूँगा टेम्परेचर पे, प्री हीट करूँगा। तो यहाँ पे कन्वेक्शन प्रेस करते ही 180 डिग्री सेल्सियस आया, प्लस के साइन से आपने इसको 230 डिग्री सेल्सियस पे सेट कर लेना है, या जितना भी मतलब टेम्परेचर आपके माइक्रोवेव में मैक्सिमम है उसके ऊपर इसको सेट कर लो और स्टार्ट कर लो। 4 to 5 मिनट के लिए दोस्तों आपने 230 डिग्री सेल्सियस पे अपने माइक्रोवेव को गर्म करना है। प्री हीट कम्प्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा 230 पे। तो जैसे कि मैंने आप देख रहे हैं कि मैंने 4-5 मिनट के लिए इसको मैंने प्री हीट कर लिया, गर्म कर लिया अपने माइक्रोवेव को। अब मैंने लो स्टैंड के ऊपर पैन रखा, पैन के ऊपर मैंने पिज़्ज़ा प्लेस किया और डोर को क्लोज़ किया, और मैंने इसको दोस्तों प्री हीट मोड में लगाया है। प्री हीट मोड पे लगाने का बेनिफिट क्या है कि हमारा टाइम सेव होगा, नहीं तो पहले मैं प्री हीट करता 10 से 12 मिनट उसमें लगते, प्री हीट कम्प्लीट होता फिर मैं 10-12 मिनट लगाता। तो दोस्तों आप थोड़ा सा गर्म करके प्री हीट मोड पे अगर आप पिज़्ज़ा को चला देंगे ना, तो क्या होगा कि प्री हीट मोड में हमारा पिज़्ज़ा जल्दी बन जाएगा। और दोस्तों आपको चेक करना हो तो आप इन बिटवीन डोर को ओपन कर लीजिएगा जैसे कि मैंने किया, चेक कीजिएगा पिज़्ज़ा आपके अकॉर्डिंग बना है। अगर तो बन गया होगा, ब्राउन हो गया होगा, तो बाहर निकाल लीजिएगा। अगर वो नहीं हुआ तो वापस डोर को क्लोज़ करना है और स्टार्ट दबा देना है। तो जो टाइम है, जो भी प्रोसेस है, वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो बस आप इसको चलने दीजिएगा, मैक्सिमम आपके 10 मिनट लगेंगे और जो पिज़्ज़ा है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो अभी बस 10 मिनट जो है अभी ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो अभी हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। जो पिज़्ज़ा है दोस्तों वो प्रॉपरली बन गया है, देख रहा हूँ मैं, और आप भी देख रहे होंगे कि ये साइड्स में जो ब्राउनिंग इफ़ेक्ट है वो आ गया हुआ है। और दोस्तों अगर आप चाहें इसको और ब्राउन करना अपने मतलब टेस्ट के मुताबिक, तो आप इसको और कर सकते हो। मेरे मुताबिक ये जो है पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है, आप भी घर पे रेडी कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आए एनी टाइम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे जो पिज़्ज़ा है वो हमारे पास बिल्कुल रेडी है, तो दोस्तों आप भी ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ आप इसको शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ।